बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू मसल डिसऑर्डर्स। डियर स्टूडेंट्स, जो वर्ड है डिसऑर्डर, इसका मतलब क्या होता है? अवे फ्रॉम ऑर्डर, और वी कैन से इररेगुलरिटी। अगर मसल्स के काम के अंदर इररेगुलरिटी आ जाए, या वो जिस तरह से अपना प्रॉपर काम कर रहे हैं उस तरह से वो ना करें, वो चीज़ क्या कहलाती है? मसल डिसऑर्डर कहलाता है। मतलब इस कंडीशन के अंदर मसल्स डू नॉट परफॉर्म इट्स प्रॉपर फंक्शन, मसल अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। और मसल का फंक्शन क्या होता है? कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो यहाँ पर मसल्स क्या करता है? अनएबल टू कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़े से टाइम के लिए, या फिर ये टाइम, डियर स्टूडेंट्स, कुछ ऐसी डिसऑर्डर्स हैं मसल्स की जिसमें क्या होता है कि होल द लाइफ काम नहीं करता, वो अभी हम इंशाल्लाह पढ़ लेते हैं, जिसके बाद क्या हो जाती है? डेथ भी हो जाती है, और इवन काज डेथ इस जो मसल है इसके काम ना करने की वजह से। तो अब हमारे पास कौन कौन से मसल डिसऑर्डर हैं? एक हमारे पास है मसल फटीग, दूसरा टैटनी, तीसरा टैटनस, और चौथा लास्ट पे हमारे पास क्या है? क्रैम्प। मसल फटीग क्या चीज़ है? फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। मसल जो है उसके अंदर एबिलिटी नहीं रहती कि वो क्या कर सके, कॉन्ट्रैक्ट कर सके। अब इस कंडीशन के अंदर होता क्या है प्रॉपर? एक्चुअली ये कंडीशन आती कब है? जब लो लेवल ऑफ एटीपी होगा, और वी कैन से नो अवेलेबिलिटी ऑफ एटीपी, यानी कि मसल को एटीपी ही नहीं मिल रही, जिसकी वजह से क्या होगा? जो क्रॉस ब्रिजेस होते हैं, इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया है, क्रॉस ब्रिजेस जो हैं डू नॉट डिटैच, वो डिटैच नहीं हो पाते, जिसकी वजह से क्या होता है? मसल फटीग आना स्टार्ट हो जाती है। मसल फटीग की वजह से होता क्या है डियर स्टूडेंट्स? जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लें, या फिर आपने मसल्स को बहुत ज़्यादा वर्क मसल से ले लिया है, उसकी कंडीशन में क्या होता है कि जो लैक्टिक एसिड है उसकी जो अमाउंट होगी मसल्स के अंदर, मसल सेल के अंदर, वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जब जैसे ही ये बढ़ेगी, जो मसल की पीएच होगी वो लो हो जाएगी। अब ये लो पीएच क्या करती है? मसल लैक करेगी, मतलब मसल्स के अंदर जो है वो पेन स्टार्ट हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? मसल फटीग का नाम देते हैं। अब ऐसा होता कब है? जब हम कहते हैं जब हैवी एक्सरसाइज कर लें, या फिर हमारा लो इनटेक हो ग्लूकोज का, तो इन दोनों कंडीशंस के अंदर जो है वो मसल फटीग होना स्टार्ट हो जाती है। बाज़ औक़ात यूँ होता है कि इंसान जो है वो काम नहीं करता, बट वो डाइट अपनी प्रॉपर नहीं ले रहा होता, स्टारवेशन की हालत में होता है, किसी प्रॉब्लम की हालत में होता है, तो खा नहीं पाता, उसकी वजह से भी क्या है वक्त के साथ साथ मसल फटीग होना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि जितनी भी आपके पास ग्लाइकोजन होती है मसल्स के अंदर, उसको यूटिलाइज़ कर लिया जाता है, और बाद में ग्लूकोज अवेलेबल नहीं होती, जिससे जिसको तोड़कर एटीपी जो है वो हासिल की जा सके। अब इसका जो एक्सरसाइज का इफ़ेक्ट होता है डियर स्टूडेंट्स, वो मसल फटीग पर क्या होता है? एक्सरसाइज, एक्चुअली जब इंसान एक्सरसाइज करता है तो उसका जो मसल है वो ग्रो करता है, ग्रोथ ऑफ मसल टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज। तो जैसे जैसे एक्सरसाइज बढ़ाता जाता है इंसान, वक्त के साथ साथ उसका मसल जो है उसका साइज़ भी बढ़ता जाता है। जैसा कि बॉडी बिल्डर्स आपने देखे होंगे कि पहले उनका मसल जो होता है वो बहुत छोटा होता है, फिर वक्त के साथ साथ वही मसल उनका बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। अब उसके पीछे होता क्या है? बेसिकली जो मसल होता है, मसल सेल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको बढ़ा दिया जाता है? एक तो मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो ऑक्सीजन कैरी करती है, इसका लेवल
मसल सेल के अंदर बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा हो जाती है मसल के पास, और मसल जो अपनी एरोबिक रेस्पायरेशन जो है वो करता है, और उससे क्या होता है एटीपी ज़्यादा हमें मिलती है। उसके साथ माइटोकॉन्ड्रिया का जो लेवल है डियर स्टूडेंट एक सेल के अंदर उसको क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। आपको पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये सेलुलर रेस्पायरेशन में हेल्प करता है, और जिसके रिजल्ट में क्या निकलती है एटीपी प्रोड्यूस होती है। तो अब इसका नंबर भी बढ़ा दिया जाता है, जब इसका नंबर बढ़ाया जाता है तो सेल को मोर एटीपी, सो एटीपी क्योंकि ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, एटीपी लेवल जो होता है सेल के अंदर वो भी क्या हो जाता है बढ़ जाता है। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज का जो लेवल है वो भी बढ़ा दिया जाता है, कि नंबर जो है ब्लड कैपिलरीज का वहाँ पर मसल को ज़्यादा दे दिया जाता है, क्योंकि अब मसल क्या हो चुका है मोर एफिशिएंट हो चुका है, बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया भी बढ़ा दिए गए ताकि एटीपी ज़्यादा प्रोड्यूस हो, ब्लड लेवल बढ़ा दिया गया बाय इंक्रीजिंग द कैपिलरीज नंबर। अब जिससे क्या होगा वहाँ तक ब्लड ज़्यादा पहुँचेगा, ब्लड ज़्यादा पहुँचेगा तो ऑक्सीजन ज़्यादा पहुँचेगी, ऑक्सीजन ज़्यादा पहुँचेगी तो मसल जो है वो वक्त के साथ साथ डियर स्टूडेंट्स ग्रो करेगा। तो ये होता है इफ़ेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द मसल। अब ये इफ़ेक्ट ऑफ एक्सरसाइज मसल फटीग को कैसे रिड्यूस करता है, तो हमारे जिस्म के अंदर ये अडेप्टेशंस होती हैं, हमारा जिस्म अडेप्ट कर सकता है मुख्तलिफ तरह की कंडीशंस को। सो हमारा मसल जो है वो अगर आप डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसके अंदर ये एबिलिटी आ जाती है कि वो किसी भी तरह की स्ट्रेस जो है उसको क्या करे, कंट्रोल करे। उसके अंदर जो स्टोरेज कंपाउंड होता है ग्लाइकोजिन, उसका लेवल भी क्या कर जाता है इन्हांस कर जाता है, जिससे क्या होता है कि मसल फटीग फिर रिड्यूस हो जाती है। इसी तरह इसी वजह से कहते हैं कि एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको आसाबी कमज़ोरी या पट्ठों की कमज़ोरी से बचाती है। नेक्स्ट हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स टेटनी। टेटनी को हम डिफाइन ऐसे करेंगे कॉन्टीन्यूस स्टेट ऑफ मसल कंट्रैक्शन। अभी स्टेट के अंदर मसल जो है वो कॉन्टीन्यूसली क्या किया हुआ होता है, उसने कंट्रैक्ट किया हुआ होता है। ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता है जब लो लेवल ऑफ कैल्शियम, मतलब आप कैल्शियम का इंटेक बहुत ज़्यादा कम कर रहे हैं इन ब्लड, जिसकी वजह से क्या होगा मसल कंट्रैक्शन हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो कैल्शियम आयंस हैं ये मसल कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, या वी कैन से जो आपके पास एक्टिन और मायोसिन हैं क्रॉस ब्रिजेस की फॉर्मेशन और उनको डीएटेच करवाने में कैल्शियम का जो होता है वो बहुत रोल होता है। अब अगर कैल्शियम का लेवल ही लो है तो उससे ऑब्वियसली कौन सी डिजीज़ होगी, दैट इज़ द टेटनी, ये डिसऑर्डर है मसल्स का। अब इससे क्या हो रहा है नेक्स्ट जो है, जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल लो हो गया है तो यहाँ पर न्यूरो एक्साइटेशन हो जाएगी, न्यूरो एक्साइटेशन हो जाएगी। आप कहते हैं कि न्यूरॉन जो हैं वो एक्साइट कर जाएंगे, जब न्यूरॉन एक्साइट करते हैं न्यूरो एक्साइटेशन हो जाती है, उससे क्या होता है कन्वल्शंस प्रोड्यूस होते हैं, झटके लगते हैं ट्विचेस, या तो झटके लगेंगे या फिर क्या होगा कि बार बार मसल जो है वो कंटिन्यूसली कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स करना शुरू कर देगा, और इसकी ट्रीटमेंट जो है वो इंतहाई ज़रूरी होती है। अगर अनट्रीटेड हो, मतलब इसकी ट्रीटमेंट ना करवाई जाए, तो डियर स्टूडेंट्स क्या करेगा स्पैज्म ऑफ लेरिंग्स, मतलब कि जो लेरिंग्स है उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको अकड़ा दिया जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं कि जो आपके पास रेस्पायरेटरी मसल्स हैं उनके अंदर पैरालिसिस हो जाएगा, यानी कि रेस्पायरेटरी फॉलेज हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, जब सांस ही नहीं आ पाएगा मसल्स काम ही नहीं कर पाएंगे, इंटरकोस्टल मसल ही नहीं काम करेंगे, सो उससे क्या होगा डियर स्टूडेंट डेथ हो जाती है। उसके बाद हमारे पास आता है टेटनस। अब ये जो टेटनी है ये भी जब एक्सट्रीम लेवल पर चली जाती है तो ये भी सीवियर होती है। अब इससे जो नेक्स्ट स्टेज है वो आपके पास कौन सी है, टेटनस। एक्चुअली टेटनस जो है उसके लिए कॉजल एजेंट होता है, और उसको क्या बोलते हैं, एक एनारोबिक बैक्टीरिया जिसका नाम है क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी।
अब ये जो क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी है बेसिकली ये हमारे जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं उनके अंदर इसका लेवल बहुत ज्यादा होता है, लाइक पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, इसमें जो अमवात है, शरा अमवात डेथ रेट है वो इसकी वजह से मोर देन 40% है इसकी वजह से। अब ये आप क्वेश्चन ये है कि ये आता कहाँ से, इंसान में कैसे एंटर हो जाता है, तो हमारे यहाँ चूंकि प्रॉपर जो है वो ट्रैफिक के रूल्स को अप्लाई नहीं किया जाता, फॉलो नहीं किया जाता डियर स्टूडेंट्स, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि जब भी इंसान का एक्सीडेंट होता है तो ज़मीन पर रगड़ खाने की वजह से तो ये बैक्टीरिया जो है ये चूँकि सड़क के ऊपर प्रेजेंट होता है, गंद में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो जो हमारा वूंड होता है उससे बॉडी के अंदर चला जाएगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता से ग्रो करेगा, जिसके रिजल्ट में क्या होगा, टेटनस काज हो जाएगी। अब इसके लिए टेटनस का इंजेक्शन लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जहाँ पर भी एक्सीडेंट हो, हल्की सी भी आपको जो है वो रगड़ आती है तो आप लाजमी जो है उस टेटनस का इंजेक्शन लगवाएं ताकि जो डेथ है उससे इंसान बच सके। अब इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, सबसे पहले जब ये अगर बॉडी के अंदर चला जाए तो क्या होता है, पेनफुल, बहुत ज़्यादा पेन होती है, स्पैज्म ऑफ स्केलेटल मसल्स, जो स्केलेटल मसल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाती है, विच लीड्स, जो कि लीड करता है लॉक जॉ, मतलब जो चेहरे के ये जो आपके जाज हैं इनके मसल्स को वो क्या कर देता है, लॉक कर देता है, कंट्रैक्ट करवा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है इंसान जो है वो उसको बोलने में दिक्कत आती है, खाने में दिक्कत आती है और फिर अल्टीमेटली ये क्या करता है, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होगा विच लीड्स टू वर्ड द डेथ। बस फोर लिम्स है और हाइंड लिम्स हैं एंड एज वेल एज ट्रंक के जो मसल्स हैं उनको क्या कर देगा, पैरालाइज कर देगा। अब जब ये पैरालाइज होंगे तो इंसान जो है वो मूव करने से भी जो है वो कासिर होगा। अब इस कंडीशन के अंदर क्या हो जाता है, इंसान की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज द क्रैम्प। क्रैम्प क्या है, टेटनिक कंट्रैक्शन ऑफ इंटायर मसल, पूरे के पूरे मसल की जब कंट्रैक्शन हो जाती है उसको आप क्या बोलते हैं, क्रैम्प बोलते हैं। ऐसा कब होता है और कौन से मसल्स के अंदर होता है, जो आपके पास ह्यूज साइज्ड मसल हैं, मिसाल के तौर पर आपके पास बड़े साइज का जो मसल है वो है थाई का मसल, तो थाई के मसल में ज़्यादातर ये क्या होती है, कंट्रैक्शन होती है, या फिर जो हिप मसल होंगे तो एक आपके पास क्या आ जाता है, थाई एंड हिप मसल्स के अंदर ये जो है क्रैम्प पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मसल्स कंटिन्यूसली अकड़ जाते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स ये क्यों होता है, या तो डाइट जो है वो प्रॉपर नहीं इंसान करता और या फिर क्या होता है, एक्सेस ऑफ एक्सरसाइज, या फिर आप कह सकते हैं एक्सेस यूज ऑफ मसल जब इंसान कर लेता है तो उससे भी क्या होता है, क्रैम्पिंग जो होने होती है वो बढ़ जाती है। अब ये क्या होता है कि इसका जो रेट है वो कितना है, टाइम कितना लेता है, ये फ्यू मिनट से लेकर सेवरल आवर्स तक ये जो है रहता है क्रैम्प। ऐसा मोस्टली जो हो रहा होता है वो आपके पास जितने भी स्पोर्ट्समैन होते हैं, लाइक जो क्रिकेट खेलते हैं उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम होती है, तो क्रैम्पिंग उनमें ज़्यादा होती है। और क्रैम्पिंग का जो टाइम है वो बेसिकली कौन सा होता है, नाइट के वक्त, रात के वक्त जब इंसान सो रहा होता है तो इन मसल्स के अंदर ये प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है।